जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों यार, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे iOS 18.1 का जो है डेवलपर बीटा 6 का कंप्लीट वाला रिव्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो अकॉर्डिंगली आप जो है इसको एक ओवरऑल आइडिया कंसिडर कर सकते हो कि आपको ये वाला अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ये एक एक्सेप्शनल यहाँ पे मैं आपको कंसल्ट देना चाहता हूँ, अपने फ़ोन में केस वगैरह ज़रूर से यूज़ करा करो, क्योंकि आज लगभग मेरा हाथ से फ़ोन 2 बार गिर चुका है एंड मोस्ट प्रोबली बहुत ही मुश्किल से मेरा फ़ोन बच पाया, अदरवाइज डिस्प्ले चला गया होता दोस्तों, बिल्कुल लिटरली बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपडेट का अगर साइज़ का वगैरह में बात करूँ, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टेबल वर्जन से जब अपडेट कर रहा था तब जो है मेरे को 6.71 GB का मिला था। यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करूँ, सो आपको अगर कोई कीबोर्ड से रिलेटेड जो इशू आ रहा था वो आपका जो अभी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। एंड इसके बाद का अगर बताऊँ, सो कीबोर्ड के बाद आपको यहाँ पे आई थिंक हाँ कंट्रोल सेंटर से कुछ लैगी एक्सपीरियंस और कैमरा ऐप में कुछ लैगी एक्सपीरियंस आपको जो देखने को मिल रहा था वो फिक्स हुआ है। इसके साथ साथ आप अपने कंट्रोल सेंटर में जो वाईफाई का और ब्लूटूथ का जो सेपरेट आइकॉन्स वगैरह सेट करके रख सकते हो, वो एक फीचर है, ठीक है। एंड इसके बाद का अगर इसको परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, सो हाँ परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, बीटा 5 से रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छा हुआ है परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, डेवलपर बीटा होते हुए भी आपको परफॉर्मेंस में यहाँ पे ज़्यादा कुछ इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस लिटरली इन्होंने इम्प्रूव किया है, जो कि यहाँ पे काबिल तारीफ़ करने को पड़ेगा। क्योंकि जनरली जो क्या क्या होता है बीटा अपडेट्स में, एप्पल का परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ का बहुत ही बुरा हाल रहता है। अगर आप वीडियो पहले से थोड़ा बहुत टेक जेन बंदे हो तो आपको जनरली ये वाला बात जो है पता होगा, ठीक है। एंड दोस्तों उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड अगर कुछ बात करें, सो यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ में जो है यहाँ का नेटवर्क जो है फिक्स किया है, इन लोगों ने ट्राई किया है अपना फिक्स करने को। मैं यहाँ पे जो अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर दिया था 17.7, क्योंकि अभी भी फार्मवेयर को आप डाउनग्रेड कर सकते हो, इसलिए मैं दोस्तों जेन्युइनली रिव्यू जो है करके सॉरी यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करके यूज़ करने के बाद जो है डाउनग्रेड कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे फिर भी यकीन अगर किसी को नहीं होता है, सो वो एक बार से यूज़ करके देख सकता है, मेरा रिव्यू जो है बिल्कुल ही जेन्युइन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ से रिलेटेड अभी के लिए आपको कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, या क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फॉर्मवेयर में स्लाइटली चेंजेस देखने को मिले हैं, इसलिए आपको मॉडर्न फॉर्मवेयर में भी ज़्यादा दिक्कत सॉरी यहाँ पे आपको नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई इशू था सो वो अभी जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ, सो ये थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है बताना, क्योंकि बैटरी लाइफ लोगों को यहाँ पे डिवाइस डिवाइस अभी वेरी कर रहा है। जनरली अगर बात करूँ सो बैटरी लाइफ ठीक ठाक ही है, बीटा अपडेट के हिसाब से ओके डिसेंट आप बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं। बैटरी लाइफ पहले से ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है और ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है, प्लस 0.1% इंक्रीज़ हुआ है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। मतलब बैटरी में बीटा अपडेट्स के लिए यहाँ पे जो है ठीक ठाक ही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास, मैं सजेस्ट करता हूँ नॉर्मल वाले यूज़र हो सो आप ये वाले नॉलेज पर्पस के लिए देख सकते हो, अदरवाइज एक अगर आपके पास पीसी वगैरह है नहीं तो ये वाला अपडेट अभी के लिए मत जाओ, बाद में कर लेना। अगर आपके पास दो दो आईफोन से हैं सो देन आप कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय।